एग्जांपल नंबर 14, और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई सिचुएशन नहीं दी हुई है हमको, कोई वर्ड में प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट बोला गया है कि इक्वेशन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन द गिवन इक्वेशन। इक्वेशंस में जो वेरिएबल दिए हुए हैं x, y, उनकी वैल्यू निकालिए। और हमारे पास तीन मेथड हैं सॉल्व करने के, ठीक है, हम कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ, आप चाहें तो एलिमिनेशन से बनाएं, आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाएं, ठीक है। एलिमिनेशन से बनाने का तरीका आप जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन से बनाने का तरीका आप जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, देखो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ मेथड का नाम लिख देता हूँ, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। हमको क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन में, किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, चाहे एक्स का निकाल लो चाहे वाई का निकाल लो, और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। अब ये तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो सेकंड इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालो और वन में पुट कर दो, या फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालो और सेकंड में पुट कर दो। मुझे यहाँ ये वाला इक्वेशन छोटा दिख रहा है, तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखो ना एक्स की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो बाकी सबको उधर भेज दूँ, ये 4y माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, और 7 निगेटिव है ये। और आप समझ रहे हैं मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 क्यों दे रहा हूँ, हमने पहले वीडियो में बात कर ली है इससे रिलेटेड, ठीक है, पिछले वीडियो में। अब मैंने सेकंड इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, तो इसको पुट कहाँ करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन में। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूट लिखो, या आप चाहो तो पुट लिखो, पुट या पुटिंग कुछ भी, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1, एक्स की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, ठीक, ओके। दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है मुझे, एक्स की वैल्यू, यानी 4y माइनस 7, ठीक, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो ना ये इक्वेशन कैसा बन गया, एक वेरिएबल वाला, यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई, एक्स खत्म हो गया, एक वेरिएबल बचा, और एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन लगता है और एक इक्वेशन है, तो आंसर आ जाएगा वाई का। मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करते हैं, 24 जा 8y माइनस 27 जा 14 माइनस 5y माइनस 8, ठीक है। दिस इज वाई दिस इज वाई, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5y चला गया, 8y में 5y चला गया, कितने y बचे, 3y, ठीक है। ये 14 नंबर है, इसको मैं नंबर के पास उस पार भेज देता हूँ, 14 इधर प्लस में है उधर जाएगा, सॉरी 14 इधर माइनस में है उस पार जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, सो 3y इज इक्वल टू 14 में से 8 चला गया, कितना बचा 6, तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3, ये कट के कितना आया 2, तो y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 2, ठीक है, देख लो चेक करके y की वैल्यू कितनी मिल गई 2। और इस y की वैल्यू उठा के थर्ड में रख दो, क्योंकि इसको मैं बनाता ही इसीलिए हूँ ताकि ये छोटा है और वैल्यू रख के निकालना ज़्यादा आसानी से हमको आंसर देता है, वैल्यू रखने में भी आसान, दिखने में भी छोटा और ईजिली कैलकुलेशन भी हो जाता है। तो y की वैल्यू उठा के थर्ड में रख रहा हूँ मैं, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, देखो तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई, और y कितना है 2, तो 4 × 2 माइनस 7, 4 × 2 8 माइनस 7, सो दिस इज 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। आप अपने बुक से मैच करिए x और y की वैल्यू मैच होती है या नहीं होती, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, दिस इज अवर आंसर, तो नोट करें, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल नंबर 14 है, अब हम 15 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 15, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे धैर्य रख के ना। देखिए, सॉल्व द गिवन इक्वेशंस, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमको निकालनी है। आप निकालेंगे कैसे, तो हमारे पास तीन तरह के मेथड हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड हम लगा सकते हैं, चाहे हम सब्स्टिट्यूशन लगा लें, चाहे एलिमिनेशन लगा लें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लें। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम ये है
मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर देखो बड़े बड़े, 41, 17, 99, 17, 41, 75, तो कहीं ना कहीं हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लो अगर हम 41 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, 19, 75 को मल्टीप्लाई प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो नंबर बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और बड़े बड़े नंबर टैकल करने में टाइम लगता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये ध्यान दे दिया किसी क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, यानी नंबर्स बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। और छोटे छोटे नंबरों को मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना बहुत आसान है, तो उसको हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ट्रिक कब लगता है इसको सुनिए, देखिए ना, पहले इक्वेशन में क्या है, 41, 17, ठीक है, दूसरे इक्वेशन में भी क्या है, 41, 17, एक्स और वाई वेरिएबल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 41 प्लस में है, यहाँ 41 माइनस में है, समझे, यहाँ 17 माइनस में है, यहाँ 17 प्लस में है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ या घटा दूँ तो कोई ना कोई ज़रूर कैंसिल होगा आपस में, और कैंसिल होगा या ना हो, कॉमन निकलेगा, कॉमन निकल के कट पिट जाएंगे और इक्वेशन छोटे नंबरों वाला बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी जो बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं ना, 41, 17, 99, ये छोटे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन छोटा हो जाएगा। तो करना क्या है, ट्रिक लगाने का तरीका, पहचान, यहाँ देखिए एक्स और वाई में जे चेक करिए, एक्स और वाई में जो नंबर यहाँ दिखेंगे, एक्स और वाई में वही नंबर यहाँ दिखेंगे, भले इधर उधर हो लेकिन वही नंबर हो, तो फिर ये ट्रिक लग जाती है। ट्रिक क्या है, दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, दो नए इक्वेशन बनेंगे, वो छोटे छोटे होंगे, उनको सॉल्व कर लो किसी भी मेथड लगा के। तो मैं इसको बोलता हूँ ये मेरा इक्वेशन वन है, ये मेरा इक्वेशन टू है, मैं एक बार दोनों को ऐड करता हूँ, एक बार दोनों को माइनस करता हूँ। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ऐड कर रहा हूँ पहले मैं दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो ऐड करने का तरीका देखना, 41x माइनस 17y इज इक्वल टू 19, 17x माइनस 41y इज इक्वल टू 75। ऐड करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई साइन नहीं बदलता, x और x जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो, 7 और 1 8, 5, 4 और 1 5, ये हो गया। माइनस माइनस भी प्लस ही होता है, तो इसको भी हम प्लस करेंगे, 7 और 1 8, 4 और 1 5, और साइन माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस हैं, बड़े का साइन यहाँ पे आएगा, और ये y इज इक्वल टू 9 और 5 14, एक बचा 9 और 7 16 और 1 17, जोड़ के देख लो सही किया मैंने या गलत किया है, एक बार चेक करिए आप, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी 58 आ गया, इसमें भी 58 आ गया, तो हम यहाँ से 58 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने 58 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, x माइनस वाई, देखो छोटा हो गया ना x और y का कोफिशियंट, x का कोफिशियंट भी 1, y का कोफिशियंट भी 1, यहाँ x का कोफिशियंट 41 था, यहाँ 17 था, तो उससे तो छोटा हो गया ये, इज इक्वल टू 174। अब मैं नंबर को नंबर के पास भेज देता हूँ, 174 डिवाइडेड बाय 58, ये 58 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उस पार जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 58 के टेबल में 174 आता है, 58 3 जा, आप चाहे तो छोटा छोटा कटा कटा के यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। आप थोड़ा सा देखो इसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बना, 3, ठीक है। इस इक्वेशन का मैं नाम रखता हूँ इक्वेशन नंबर 3, छोटा हो गया ना, देखो इनको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, तो आप कहेंगे इसको क्यों, क्योंकि इसमें x और y के कोफिशियंट बहुत छोटे छोटे हैं, 1-1 है, ईजिली आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने कैसे बनाया, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करके, एक बार मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ ना, देखना, 41x माइनस 17y इज इक्वल टू 99, 17x माइनस 41y इज इक्वल टू 75,
और अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस दोनों इक्वेशन को, और माइनस करने में साइन चेंज होता है, माइनस करना है, तो ये माइनस प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा ना, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 41x में 17x घटा देते हैं, कितना होगा देखो, ये 1 4 से कैरी लेके 11 हो गया, 11 में 7 गया 4, ये बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 24x। प्लस माइनस हम लगा लेंगे अभी यहाँ पर दूसरे में, देखो प्लस माइनस माइनस, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, बड़ा ये है छोटा ये है, तो 41 में 17 गया, फिर से कितना बचेगा 24, करके देखो, हमेशा बड़े से छोटा घटता है, पता कैसे चला माइनस होगा, तो आंसर है माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो करना माइनस है 24y, ठीक बात, इक्वल टू ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस करेंगे, बड़े से छोटे को घटा दो, 99 बड़ा है तो इससे 75 को घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 24। अब देखो तो सब में 24 24 24 आया, क्या करना है, सबको 24 से डिवाइड कर दो, या इनमें से 24 कॉमन निकालो और उस 24 को उधर भेज दो, तो इधर आके 24 के नीचे आ जाएगा इधर वाला 24, तो कट के 1 बचेगा, या सबको 24 से डिवाइड कर दो, तो इसको 24 से डिवाइड करोगे तो 24 कैंसिल हो जाएगा, 1x बचेगा, 24 कैंसिल होके 1y बचेगा, 24 कैंसिल होके 1 बचेगा, छोटा हो गया कि नहीं। चौथा इक्वेशन, ये तीसरा ये चौथा, छोटा हो गया। अब हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको देख के बताओ कौन सा मेथड लगाना पसंद करोगे, देखो 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 देखो, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, तो हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा, ठीक। फिर से y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, एलिमिनेशन लग जाएगा। अब x और y दोनों डिलीट हो रहे हैं, लेकिन हमको सोचना है कि हमको क्या डिलीट करना है, x डिलीट करें कि y डिलीट करें, ये आप सोच लो। मैं चाहता हूँ कि मैं y को डिलीट करूँ, ठीक है। तो देखो y का कोफिशियंट कितना है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, नो कहीं पर हमने साइन में मिस्टेक कर दिया, अदरवाइज ये एक इस तरह नहीं बनेगा, साइन में हमने कहीं मिस्टेक किया है, प्लस या माइनस में, अदरवाइज सब कैंसिल हो जाएंगे ना। अच्छा ये यहाँ पर मैंने साइन कहा था लगाऊंगा और मैंने आपको बोला नहीं, देखो तो ये प्लस और माइनस माइनस, तो 41 में 17 घटाए तो 24 बचेगा, लेकिन इस पर साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, बड़ा कौन है 41, और 41 में साइन क्या है, प्लस, इसलिए यहाँ मुझे क्या लगाना चाहिए, प्लस प्लस, ठीक है। यह हो गया दो इक्वेशन। अब देखो ना, मैं चाहता हूँ वाई डिलीट हो जाए, तो वाई का कोफिशियंट 1 है, एक पहले से माइनस में है, एक पहले से प्लस में है, प्लस माइनस ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड, क्यों ऐड, मैं y डिलीट करना चाह रहा हूँ, इसलिए एक माइनस एक प्लस पहले से है, तो कोई साइन नहीं बदलना, प्लस माइनस पहले ही दिखेगा, 1y कट जाएगा ऐड करने से, लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, तो देखो सब्ट्रैक्ट करने में इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो होगा क्या, सब्ट्रैक्ट करने पर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये x माइनस में हो गया, ये x प्लस है, ये x माइनस, प्लस माइनस, x खत्म हो जाएगा, y बचेगा, क्योंकि ये y माइनस हो गया, ये y माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 2y हो जाएगा, माइनस 2y, तो y फिर डिलीट नहीं होगा, समझ में आई बात, प्लस करने माइनस करने से क्या फर्क पड़ेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, प्लस भी कर दोगे तो भी चलेगा, माइनस भी कर दोगे तो भी चलेगा, मैं यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, ठीक है, सो दिस इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड एक्स प्लस एक्स 2x, ये माइनस और प्लस वाई कैंसल, 3 और 1 4, तो एक्स इज इक्वल टू 4/2, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, करके देखो बन जाएगा आपसे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत मामूली सी बात है ये, x इज इक्वल टू 2 आ गया, ओके। अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू उठा के चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे इनमें रख दो, जो तुमको आसान लगे उसमें रख दो, y निकाल लो, तो मैं इसमें रख देता हूँ x की वैल्यू, या
इसमें रख देता हूँ इक्वेशन नंबर फोर में, ठीक है, फोर में रखता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फोर। देखो ना, दिस इज एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है, टू प्लस वाई इज इक्वल टू वन, रख दिया इसमें, इस टू को उस पार ले जाता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू वन माइनस टू, वाई इज इक्वल टू माइनस वन। देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन आ गई, चेक करके देख लो, y की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन, ठीक है, x हो गया टू, y हो गया माइनस वन, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बुक से मैच कर लीजिए आप और वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें विधिवत नोट कर लीजिए, हमने साइन में थोड़ा सा मिस्टेक किया था जिसको हमने सुधार लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, देखिए, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ओके, जिसमें एक एंगल ए एक्स डिग्री का है, एंगल बी थ्री एक्स डिग्री का है, एंगल सी वाई डिग्री का है, और ये सिचुएशन हमको दी हुई है कि थ्री वाई डिग्री माइनस फाइव एक्स डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है, सिचुएशन है ये। हमको प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये प्रूव करना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हमको राइट एंगल ट्राइंगल ही प्रूव करना है, तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ, ठीक है। देखो, दिस इज ए बी सी, तो ये मेरा एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, इसी को मान लो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ठीक, प्रूफ करना है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एक्स डिग्री, तो इसको मैं बोलूँगा दिस इज एक्स डिग्री, बी कितना है, थ्री एक्स डिग्री, थ्री एक्स डिग्री, और सी कितना है, वाई डिग्री, ये वाई डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक सिचुएशन तो ये दी हुई है हमको, ये गिवन सिचुएशन है, तो इसको हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ जो हमको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से पता होनी चाहिए, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दिए हुए हैं, तीनों एंगल, और एंगल सम प्रॉपर्टी आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ी भी है, उसको डिराइव भी की है और आपने याद भी किया है कि एक ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं और किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऐड कर दूँ तो कितना बनेगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, कि अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कर दूं तो कितना बनेगा, ये 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। चलो, ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है, हम पुट करते हैं, ए की जगह क्या रखना है, एक्स डिग्री, बी की जगह थ्री एक्स डिग्री, सी की जगह वाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, ये भी x है, ये भी x है, ये तो जुड़ जाएगा, 1x प्लस 3x कितना होगा, 4x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको देखो तो ये कैसा दिखने लग गया, कैसा बन गया, तो आंसर है ये x, ये y और इक्वल टू 180, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया, तो इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये दी हुई है, 3y डिग्री माइनस 5x डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्या फ़र्क पड़ता है, आप y पहले लिख लो, x बाद में लिख लो, इसमें y पहले लिखा है, x बाद में लिखा है, आप चाहें तो x पहले लिख लें, y बाद में लिख लें, क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा मैं यहाँ से उठाता हूँ, मैं x पहले लिख रहा हूँ ना, देखना, एंड x पहले लिख रहा हूँ साइन के साथ, माइनस 5x डिग्री, इसका साइन पॉजिटिव है, प्लस 3y डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक आप नोट करिए। अब ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालना है, तभी तो हमको यहाँ रखेंगे तो एंगल पता चलेंगे x और y की जगह, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो हम चाहे तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, चाहे तो एलिमिनेशन लगा सकते हैं। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, k
किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा एक वेरिएबल का। ओके, सब्स्टिट्यूशन से तो आप इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एलिमिनेशन मेथड से कैसे बनाएंगे। पहले हम टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमको डिलीट किसको करना है। मान लो मैं डिलीट करना चाहता हूँ वाई को, वाई डिलीट हो जाए, एक्स बचे, तो एक्स का आंसर आ जाए, एक्स कितना डिग्री, ठीक। तो वाई मुझे डिलीट करना है, वाई डिलीट करने का तरीका क्या है कि वाई का कोफिशियंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर वाई का कोफिशियंट कितना है, 3, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 3। तो यहाँ तो 3 बराबर नहीं है दोनों जगह, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 बनाएंगे अपने से। तो यहाँ 3 आ जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी हो जाए, यहाँ कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ तो 3 आ जाएगा ना, आसान, 3 और 3, तब तो कटेगा वाई। तो हमको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है सब में। क्यों? क्योंकि वाई को डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड टू एलिमिनेट वाई, वाई को एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। पूरे इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, दिस इज 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो 3 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो 4 3 जा, ये हो गया 12x, ये हो गया 3y। डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना डिग्री के भी आप बना सकते हैं। 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 से, 3 0 0, 8 3 24, 3 1 3 और 2 5, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये तो हमने इसमें चेंज किया ना, तो ये इक्वेशन 1 ही है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन नया बन गया तो हमने नया नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन 1 को देखो, इसमें y का कोफिशियंट 3, इसमें y का कोफिशियंट 3, यही तो करना था। अब इसको क्या करें, हम चाहते हैं y डिलीट हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, इसका साइन देखो प्लस, इसका साइन देखो प्लस, सेम साइन है तो डिलीट तो नहीं होगा, जब तक साइन बदलेगा नहीं, और साइन कब बदलता है, जब क्या करते हैं, माइनस। तो एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, किसी इक्वेशन को किसी से भी कर सकते हो, कोई रोना नहीं है। ये इसमें बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं इसलिए मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ, आप इससे उसको भी घटा सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तीसरे इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को घटाना है, तो ये मैंने लिख रहा हूँ तीसरा इक्वेशन, 12x डिग्री प्लस 3y डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री, और इक्वेशन 2 दिस इज माइनस 5x डिग्री प्लस 3y डिग्री और इक्वल टू 30 डिग्री। ये इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस, तो माइनस करूँगा तो इन सब के साइन चेंज होंगे। देखो तो ये माइनस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, साइन सब के बदल जाएंगे, ठीक। अब देखो ये प्लस, ये प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो 12x और 5x कितने x हो गए, 17x डिग्री, ठीक। 3y प्लस में 3y माइनस में कैंसिल हो गए, यही तो हमको डिलीट करना था, ठीक। उसके बाद ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 540 में हम 30 माइनस करेंगे तो 40 में 30 चला गया, 10 बचा, 510 डिग्री। यहाँ तक समझ गए, x की वैल्यू यहीं से आ जाएगी, मैं इधर लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, देयरफोर x इज इक्वल टू 510 डिग्री डिवाइडेड बाय 17 से इसको डिवाइड करिए, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17 से 510 को डिवाइड कर दो, x आ जाएगा, और इधर का मैं मिटा रहा हूँ, y निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये आएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है, 30 आएगा, 17 3 जा 51 होता है, 17 3 जा 51, तो 30 आएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। y निकालने के लिए क्या करना है,
एक्स की वैल्यू उठा के चाहे इक्वेशन टू में रख दो, चाहे इक्वेशन वन में रख दो, चाहे इक्वेशन नंबर थ्री में रख दो, कहीं भी वाई आ जाएगा। तो अपन कहाँ रख दें, यहाँ रख देते हैं, छोटा है ये, ठीक है, ओके ठीक। मैं यहाँ रब करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, याद रखना। कैसे प्रूव होगा राइट एंगल ट्राइंगल? अगर एक एंगल 90 डिग्री का आ गया तो प्रूव हो गया 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। तो एक एंगल हमको 90 डिग्री बनाना है, ये हमारा टारगेट है, ठीक। देखना, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर वन, यहाँ मैं एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ पहले इक्वेशन में। दिस इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिग्री, एक्स कितना है 30, एक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 30 इंटू 4 120, वाई इज इक्वल टू 120 इधर आकर के माइनस हो गया, तो y इक्वल टू कितना बना 180 में 120 चला गया 60 डिग्री, तो y की वैल्यू हमको मिल गई 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लें, वीडियो पॉज करके मैं इसको रब कर रहा हूँ। x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमको ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ऊपर, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये कैसे प्रूव होगा? तो देखो, इसमें से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का बन गया तो ये राइट एंगल वैसे ही प्रूव हो जाएगा। तो अब हम लोग एंगल देख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। एंगल ए कितना है x डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री। एंगल बी कितना है 3x डिग्री, और x कितना है 30। ये देखो, ए 90 बन गया ना, 90 एक एंगल आया 90 डिग्री का, हो गया प्रूव हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान ये है कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और बाकी जो दो एंगल बचे वो एक्यूट होना चाहिए, एक्यूट एंगल। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री और बाकी के दो एंगल एक्यूट एंगल हैं तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। एंगल सी देख लेते हैं एक्यूट आता है कि नहीं, ये तो एक्यूट एंगल है पहला वाला, इसको भी एक्यूट होना चाहिए। अगर ये एक्यूट नहीं आया, ध्यान से सुनो, एक एंगल अगर 90 है, एक एंगल एक्यूट है और एक एंगल एक्यूट नहीं है, तो भी ये राइट एंगल नहीं होगा। राइट एंगल होने के लिए शर्त ये है कि दो एंगल एक्यूट एंगल होंगे, एक्यूट यानी 90 से छोटे, और एक एंगल 90 होगा। सी कितना था भाई, देखो वाई डिग्री, और वाई कितना आया है 60, और 60 भी 90 से छोटा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, सिंस एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंड एंगल बी इज 90 डिग्री, देयरफोर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल, प्रूव हो गया, ठीक है। ये हुआ हमारा सिचुएशन, और ये है हमारे सिचुएशन का आंसर, नोट कर लें इसको।